हाय फ्रेंड्स, देखिए रोहित शर्मा की कप्तानी में तो मुंबई इंडियंस की टीम इतना बड़ा कारनामा अपने नाम नहीं कर पाई थी, लेकिन हार्दिक पांड्या की कप्तानी में जरूर उनके नाम यह इतना बड़ा कारनामा हो गया है कि मुंबई इंडियंस की टीम आईपीएल के इतिहास में जब से आईपीएल 2008 से शुरू हुआ है और 2024 चल रहा है, जितने भी सीजन आईपीएल के आज तक खेले गए हैं, मुंबई इंडियंस की टीम हार्दिक पांड्या की कप्तानी में नीचे से अगर पॉइंट टेबल की लिस्ट उठाकर देख ली जाए तो उसमें नीचे से नंबर एक की पोजिशन पर पहुंच गई है। और ऐसा आईपीएल के इतिहास में मुंबई इंडियंस के साथ पहली बार हुआ है, और वो भी किसकी कप्तानी में हुआ है, हार्दिक पांड्या की कप्तानी में हुआ है, क्योंकि कल के मुकाबले में भी लखनऊ सुपर जायंट से मुंबई इंडियंस हार गई है और अब पॉइंट टेबल में सीधे 10वें नंबर पर पहुंच गई है, जबकि नीचे से अगर लिस्ट को उठाकर देखोगे तो आपको नंबर एक पर नजर आएगी। अब मुंबई इंडियंस को अगर देखा जाए तो 14 मुकाबले आईपीएल 2024 के खेल चुकी है, जबकि उसके नाम अगर जीत की बात की जाए तो उसके हिस्से में सिर्फ 4 जीत आई है, और वह जीत किस तरह से आई है कुछ पता नहीं चला, क्योंकि 10 मुकाबले उसने हारे हैं, 4 मुकाबले उसने जीते हैं। अब आप मुंबई इंडियंस को कोसिए या फिर हार्दिक पांड्या को कोसिए या फिर आप नीता अंबानी को भी कोस सकते हैं कि मुंबई इंडियंस की टीम इतना खराब परफॉर्म कैसे कर सकती है। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले हम आज के मुकाबले पर। जी हां दोस्तों, आज का मुकाबला जो कि चेन्नई सुपर किंग और आरसीबी के बीच खेला जाने वाला है ना, यह मुकाबला नहीं एक तरह से अगर देखा जाए तो नॉकआउट मैच है, महायुद्ध होने वाला है, महामुकाबला होने वाला है, इसलिए भी इसको महामुकाबला कहा जा रहा है, क्योंकि जो भी टीम जीतेगी वह सीधे प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करेगी। अगर प्लेऑफ के लिए जो भी टीम क्वालिफाई करेगी, चाहे वो आरसीबी करे या फिर सीएसके करे, उसको सीधे केकेआर की टीम से भिड़ना होगा, क्योंकि केकेआर की टीम नंबर एक की पोजीशन पर है और उसकी नंबर एक की पोजीशन को कोई हिला नहीं सकता। बहरहाल अगर बात की जाए इस मैच की, तो इसमें अगर देखा जाए तो सीएसके और आरसीबी में थोड़ा सा कहीं ना कहीं अगर थोड़ी सी जो डोमिनेट करती हुई टीम अगर दिखाई दे रही है तो वो आरसीबी की टीम दिखाई दे रही है, क्योंकि पिछले 5 मुकाबलों से जिस रिदम से आरसीबी की टीम बल्लेबाजी और गेंदबाजी करती हुई दिखाई दे रही है, उतना आसान नहीं होगा सीएसके के लिए आरसीबी की टीम को हराना। और दूसरी सबसे बड़ी बात आरसीबी के लिए इस मैच में ये रहने वाली है कि आरसीबी की टीम अपने होम ग्राउंड पर खेलने वाली है। एक बार को हम मान सकते थे कि सीएसके की टीम आरसीबी को हरा दे है, हालांकि अब भी अगर सीएसके की टीम अच्छे से परफॉर्म कर जाए तो ऐसा अब भी हो सकता है, लेकिन आरसीबी की टीम अपने होम ग्राउंड पर खेलेगी, पिछले 5 मैच के कॉन्फिडेंस के साथ खेलेगी। दूसरी बात यह है कि आरसीबी के लिए यह करो या मरो का मैच है, सीएसके के लिए यह पूरी तरह से करो या मरो का मैच है, जबकि सीएसके की टीम की अगर तरफ से देखा जाए तो सीएसके की टीम में बल्लेबाजी और गेंदबाजी उतनी मजबूत नजर नहीं आ रही है, क्योंकि उनके ओपनर बल्लेबाजों को अगर देख लिया जाए, अजिंक्य रहाणे लगातार फ्लॉप चल रहे हैं, रचिन रविंद्र लगातार फ्लॉप चल रहे हैं, डेरी मिचेल थोड़ी बहुत फॉर्म में दिखाई देते हैं, बाकी के बीच में अगर मिडिल ऑर्डर में देखा जाए ना तो मिडिल ऑर्डर में शिवम दुबे अपनी उस लय में नजर नहीं आ रहे हैं जिस लय के लिए वो जाने जाते हैं। अब ऐसे में अगर सीएसके की तरफ से देखा जाए तो सीएसके का बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी भी उतनी शानदार नहीं रही है, क्योंकि जो मेन गेंदबाज सीएसके की टीम के थे, जिसमें आपके मथीसा पथिराना थे, मुस्तफिजुर रहमान थे और शार्दुल ठाकुर नहीं दीपक चहर थे, जो कि अब दीपक चहर चोटिल होने के कारण तो वही मुस्तफिजुर रहमान अपने देश को वापस लौट चुके हैं, क्योंकि अब उनको T20 वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है। जिस तरह से इंग्लैंड के सभी खिलाड़ी लगभग वापस पहुंच चुके हैं, उसी तरह से मथीसा पथिराना भी वापस चले गए हैं। अब सीएसके की टीम के साथ गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी का भी बड़ा इशू खड़ा हो गया है। अगर देखा जाए तो सीएसके की टीम फिलहाल में आरसीबी के सामने थोड़ी सी कमजोर नजर आ रही है, जबकि आरसीबी में सिर्फ एक बदलाव आपको देखने को मिलेगा, विल जैक आपको खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि विल जैक अपने देश वापस लौट चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आरसीबी की टीम के पास फाफ डु प्लेसी शानदार फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, विराट कोहली पिछले कुछ मुकाबलों से गजब की फॉर्म में दिखाई दिए हैं, बेहतरीन स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिए हैं, उन्होंने अपना खेलने का अंदाज बदल दिया है। और अगर फिर देखा जाए मोहम्मद सिराज जो कि शुरुआती मुकाबलों में बिल्कुल फीके साबित हुए थे, बिल्कुल बेकार गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन पिछले कुछ मुकाबलों में मोहम्मद सिराज आग उगलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लोकी फर्गूसन अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, दयाल ने कमाल की गेंदबाजी की है, तो उस लिहाज से कर्ण शर्मा भी ठीक ठाक गेंदबाजी कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो आरसीबी की टीम कहीं ना कहीं सीएसके के ऊपर हावी होती हुई दिखाई दे रही है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो हो सकता है कि इस मुकाबले में आरसीबी जीत जाए, लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि आरसीबी को वही 18.1 ओवर में या तो जीत दर्ज करनी होगी अगर 180 के आसपास का टारगेट मिलता है, और अगर बाद में बल्लेबाजी करती है तो 18.1 ओवर में जीतना होगा, और अगर शुरुआत में बल्लेबाजी करती है तो 18 रन से उसको जीत दर्ज करनी पड़ेगी, जब आरसीबी की टीम प्लेऑफ में क्वालिफाई कर सकती है। अगर
अगर एक छोटे अंतर से सीएसके की टीम हार जाती है तो उस कंडीशन में भी सीएसके की टीम ही प्लेऑफ में क्वालिफाई कर जाएगी, क्योंकि सीएसके की टीम का नेट रन रेट आरसीबी से थोड़ा बेहतर है, थोड़ा बेहतर कहा जा सकता है, उतना ज्यादा बेहतर नहीं है। अगर चाहे तो आरसीबी की टीम उस अंतर को कम कर सकती है। अब देखना होगा आज के मुकाबले में शाम को क्या होता है। आपको क्या लगता है कि इस मैच में किसको जीत मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पर अगर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा।